इत्यात्मदेहभावेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता। अब प्रश्न उठता है कि माना कि आत्मा और देह का भेद सिद्ध है, देह आत्मा नहीं है, तर्क शास्त्र में भी वैशेषिकों नैयायिकों ने भी आखिर देह और आत्मा को पृथक पृथक माना ही है। देहात्मवादी तो तार्किक भी नहीं है, सांख्यवादी योगी भी देह को आत्मा नहीं मानते, आत्मा और देह का भेद उन्हें भी मान्य ही है। तथापि शरीर और बाह्य प्रपंच की सत्यता तो इन द्वैतवादियों ने स्वीकार ही किया है। ऐसी स्थिति में ततः किं पुरुषार्थता प्रपंचस्यैव सत्यता, प्रपंच की अगर सत्यता मान्य ही है या सिद्ध ही है तो फिर पुरुषार्थता की सिद्धि कैसे होगी, अर्थात मोक्ष की समुपलब्धि कैसे होगी, क्योंकि आत्मा भी सत्य, देह भी सत्य, बाह्य प्रपंच भी सत्य। ऐसी स्थिति में द्वैत तो जागरूक रहेगा ही और अद्वैत की सिद्धि हो सकेगी नहीं। आत्मा और अनात्मा का विवेक, देह और आत्मा का विवेक प्राप्त होने पर भी आखिर अनात्म वस्तु जो कि शरीर है, बाह्य प्रपंच भी है, अपने जीवन में भी केवल स्थूल शरीर ही नहीं सूक्ष्म और कारण शरीर की भी तो अनात्मता सिद्ध है। लेकिन जो कुछ अनात्म प्रपंच है उसको सत्य मानने पर आखिर सत्य का प्राप्त हो नहीं सकता, अतः प्रामाणिक रीति से आत्मा की अद्वैता सिद्ध नहीं हो सकती, फिर पुरुषार्थ कैवल्य मोक्ष का मार्ग तो अवरुद्ध ही रहता है। इत्यात्मदेह भेदेन तथात्मत्वं निवारितम् इदानीं देह भेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते। यहाँ तक के संदर्भ में आत्मा और शरीर का भेद दर्शाया गया, शरीर की अनात्मता का वर्णन किया गया, इससे विविक्त आत्मा को माना गया, देहात्म भाव का निरसन तो किया ही गया, देहात्मवादी जो हैं उनके सिद्धांत का प्रलाप हो गया। अब देह भेद के असत्यत्व का स्पष्ट वर्णन किया जाता है, अर्थात आत्मा जो कि देह से विविक्त है वही सत्य है, और देह वास्तव में पांच भौतिक होने के कारण, दृश्य होने के कारण, आगमापाई अनित्य होने के कारण, कार्यकोटि का होने के कारण, भानाभान का विषय होने के कारण असत्य है। इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन किया जाता है, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति ही संभव है। सहसा वेदांत अपने चरम सिद्धांत का प्रतिपादन कर भी दे तो भी साधक हृदय में उसके प्रति आस्था नहीं हो सकती, पहले आत्मा और देह के पृथकत्व का वर्णन किया गया। अब जो देह अनात्मा है, दृश्य है, भाष्य है, भौतिक है, विकारी है,
उसके असत्यत्व का असत्व का भी प्रतिपादन किया जाता है स्फुट रीति से, ताकि किसी प्रकार का संशय विपर्यय टिक न सके। चैतन्यस्यैक रूपत्वात् भेदो युक्तो न कथित जीवत्वं च मृषा गेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा। चैतन्य एक रूप है, क्योंकि भागवत में कहा गया नहीं सत्यस्य नानात्वम्, सत्य भी और अनेक भी हो यह संभव नहीं। तो जो एक रूप होता है वो तो सत्य होता है, या जो चिदात्म तत्व है एक रूप होने के कारण सत्य है, अतः उसका भेद किसी भी प्रकार उचित नहीं है। अर्थात सर्व शरीरों में सर्वत्र स्थित जो आत्मा है वह सच्चिदानंद है, उसमें औपाधिक अनेकत्व होने पर भी स्वभाव सिद्ध अनेकत्व नहीं है, भेद विनिर्मुक्त सत्य है, चिद रूप है, एक है। अब कहते हैं रज्जु में सर्प के समान जीवत्व मृषा है, अर्थात शरीर अनात्मा है, उसमें जो आत्मबुद्धि होती है उसका नाम जीवत्व भाव है। जीव भाव का मिथ्यात्व निश्चित होता है, अर्थात शरीर के मिथ्यात्व से जीव भाव का मिथ्यात्व भी सुनिश्चित होता है, क्योंकि देह के अनुरूप आत्मा की मान्यता यही तो जीवत्व है, जीव भाव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। आत्मा एक रस आनंद स्वरूप है, लेकिन देह में तादात्म्य पत्ति को लेकर कभी हर्ष कभी विषाद की प्राप्ति होती है, एक रस हर्ष नहीं प्राप्त होता। मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनंच, एक रस ज्ञान की स्फूर्ति नहीं होती, क्योंकि जड़ शरीर में तादात्म्य पत्ति है। साथ ही साथ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर आत्मा की अभिव्यक्ति आत्मबुद्धि की स्फूर्ति होती है, एक रस अहमर्थ भी जीवन में नहीं होता, जबकि आत्मा एक रस है। इसीलिए जीवत्व का मृषात्व भी सुनिश्चित है। रस्सी में सर्पग्रह के समान वास्तव में आत्मा में देह बुद्धि हो रही है, आत्मा में जो अध्यस्त है उसी में आत्मबुद्धि उचित नहीं है। रज्वज्ञानाक्षणे नैव यदवद रज्जुरि सर्पिणी भाति तद्वचिति साक्षात विश्वाकारेण केवला। अधिष्ठान भूत जो रज्जु तत्व है उसका ज्ञान हो जाने पर विलंब की कोई बात ही नहीं, क्षण भर में वह सर्पिणी जो सर्प की प्रतीति हो रही थी स्त्रीलिंग में सर्पिणी तत्काल रज्जु रूप से ही स्थित होती है, अर्थात रज्जु रूप से ही सत्य सिद्ध होती है। सर्पिणी का निषेध या बाध हो ही जाता है रज्जु परिज्ञान से, जिसके अज्ञान से जो प्रतीत होता है उसके ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है, यह सनातन शाश्वत सिद्धांत यह दृष्टांत है। तद्वत चिति साक्षात विश्वाकारेण केवला। रज्जु के स्थान पर चिति है, चिति माने चिद रूप आत्म तत्व है, संबित तत्व है, उसमें एक रस चिति चिद रूप आत्म तत्व के अज्ञान के कारण ही यह विश्व प्रतीत होता है। तो विश्वाकार साक्षात संबित रूपा चिति उसी प्रकार है जिस प्रकार सर्पणी के आकार में साक्षात रज्जु की प्रतीति होती है। अज्ञान के वशीभूत होकर व्यक्ति रज्जु को सर्पणी समझ लेता है। उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। अब कहते हैं कि उपादान जो है कौन है, प्रपंच का ब्रह्म ही है,
ब्रह्म कौन है? आत्मा का विभु रूप, वास्तव रूप, अद्वय रूप ब्रह्म है। साक्षात ब्रह्म ही प्रपंच का, अनात्म वस्तु का, आकाश आदि कार्य प्रपंच का, तद्वत प्रकृति का भी परम अधिष्ठान उपादान ब्रह्म ही सिद्ध होता है। कार्य वर्ग जो है वह तो रज्जु में सर्प के समान ब्रह्म में अध्यस्त ही है, मिथ्या ही है। तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैव अस्ति न चेतरत्। अब जो अध्यस्त है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, अधिष्ठान ही अध्यस्त रूप से उद्भासित होता है। चर्मोपादान जो पराचिति है, चिद्रूप आत्मतत्व या ब्रह्म तत्व है, वही विश्वाकार, प्रपंचाकार या जगदाकार उद्भासित हो रहा है। इसका अर्थ यही होता है कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण और बाह्य जगत भी स्वतंत्र सत्य नहीं है, अध्यस्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। इस प्रकार से देह की सत्यता सिद्ध नहीं होती, आत्मरूपता सिद्ध होती है अध्यस्त होकर, साक्षात नहीं। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्यावसर कुतः। अब कहते हैं कार्य कारणता का मिथ्या तो जिस प्रकार निर्धारित किया गया है आगे आएगा, ऐसे व्याप्य व्यापकता का भी मिथ्यात्व सिद्ध होता है। व्याप्य जब मिथ्या सिद्ध हो जाए तो व्यापक संज्ञा वस्तु की समाप्त हो जाती है। व्याप्य कौन है? जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वो मिथ्या है, व्याप्य है वो मिथ्या होने के कारण। जब व्याप्य ही मिथ्या है तो उसकी अपेक्षा से आत्मा को व्यापक कहते हैं। इस प्रकार से व्याप्य व्यापक भाव, कार्य कारण भाव, उपादेय उपादान भाव से विविक्त आत्मतत्व ही सर्वथा अद्वय होकर शेष रहता है। सर्वमात्मेति शासनात्, क्योंकि व्याप्य व्यापकता तो तब हो जब द्वैत हो, जब सबकी आत्मरूपता का वर्णन आत्मैवेदं सर्वम, अहमेवैदं सर्वम इस प्रकार श्रुति करती है, तो एक ही अद्वैत तत्व में कौन व्याप्य कौन व्यापक। रज्जु सर्प व्याप्य है, रज्जु व्यापक है, ऐसा नहीं बनता, क्योंकि रज्जु में रज्जु सर्प अध्यस्त है। इसी प्रकार से जब रज्जु की ही रज्जु सर्प के रूप में प्रतीति होती है तो उसमें एक की व्यापक एक की व्याप्य संज्ञा तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। घट में मिट्टी व्यापक है या नहीं? घट में मिट्टी, तो घट की क्या संज्ञा हुई? व्याप्य। जब मिट्टी से पृथक घट नहीं है तो व्याप्य व्यापकता औपचारिक है या नहीं? जब भेद मानते हैं तब घट व्याप्य है, मिट्टी व्यापक है। और जब मृतिका मृतिके तेव सत्यम, मिट्टी ही वास्तव में है, घट पृथक से कुछ है ही नहीं, तो कार्य की मिथ्या संज्ञा होते ही व्याप्य व्यापकता भी समाप्त हो जाती है। द्वैत में व्याप्य व्यापक भाव बनता है, अद्वैत में नहीं। रज्जु सर्प व्याप्य है, रज्जु व्यापक है, जिसमें जो व्याप्त होता है उसको व्यापक कहते हैं, जो व्याप्त होता है जिसमें होता है वो व्याप्य होता है। धागा तंतु व्यापक है, वस्त्र व्याप्य है, ऐसा ब्रह्म व्यापक है, जगत व्याप्य है, ऐसा रज्जु व्याप्य हो गई, व्यापक रज्जु सर्प व्याप्य। हाँ,
व्यापक और व्याप्य, जिसमें जो रहे रज्जु व्यापक हो गई, मिट्टी व्यापक मृदघट व्याप्य, विश्व व्याप्य परमात्मा व्यापक, लेकिन कब, जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक यह सब व्याप्य व्यापक भाव चलता है। यह है पाल्य पालक रक्ष रक्षक व्याप्य व्यापक, यह सब भाव तब तक चलता है जब तक द्वैत है। तो इति ज्ञाते परे तत्व भेद से अवसर कुतः, पर तत्व का परम तत्व का बोध हो जाने पर फिर भेद को अवसर ही कहाँ मिलता है। दृश्य और दृष्टा को लेकर, व्याप्य और व्यापक को लेकर, कार्य और कारण को लेकर भेद की प्राप्ति होती है, लेकिन दृष्टा की ही दृश्य रूपता का बोध हो जाने पर, व्यापक की ही व्याप्य रूपता का बोध हो जाने पर, उपादान की उपादेय रूपता का ज्ञान हो जाने पर, अधिष्ठान की अध्यस्तता का ज्ञान हो जाने, अध्यस्त रूप से प्रतीति का ज्ञान हो जाने पर क्या है, द्वैत विगलित हो जाता है, तो भेद भी समाप्त हो जाता है। सुत्या निवारितम न्यूनम नानात्वम स्वमुखे नहीं नेह नानास्ति किंचना, आदि श्रुतियों ने अपने मुख से साक्षात ही नानात्व का निषेध किया है। कथम भासो भवेदन्य स्थिते च अद्वय कारणे, स्थिते च अद्वय कारणे, कारण के अद्वितीय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है। अर्थात द्वैत में व्याप्य व्यापक भाव कार्य कारण भाव बनता है। यहाँ पर जब आत्मा की अधिष्ठान रूपता का बोध हो जाता है तो अध्यस्त भी वास्तव में पृथक से रहता नहीं, जब पृथक से रहता नहीं तो कौन व्याप्य कौन व्यापक नानात्व का निषेध हो जाता है। जैसे मिट्टी के ज्ञान से घट कुल्लर सकोरे ये सब भेद विगलित हो जाते हैं, प्राकृतिक रहने पर भी वास्तव में मृतिका ही सत्य सिद्ध होती है। पृथक पृथक नाम रूप रहने पर भी स्वरूप पृथक सिद्ध नहीं होता, यह अभिप्राय। श्रुत्या निवारितम न्यूनम न्यूनम नानात्वम स्वमुखे नहीं नेह नानास्ति किंचन, ये सब कथम भासो भवेदन्य स्थिते चाद्वय कारणे, स्थिते चाद्वय कारणे, श्रुति ने नानात्व का निषेध किया है। यत ही द्वैतमी भवति नानेव पश्यति, सब नेह नानास्ति किंचन आदि श्रुतियों ने कारण के अद्वितीय सिद्ध हो जाने पर फिर कार्य तो पृथक से सत्य सिद्ध होता ही नहीं, इसलिए द्वैत की प्राप्ति ही नहीं है, भेद की प्राप्ति ही नहीं है। दोषोपि विहिता श्रुत्या मृत्योर्मृत्युम स गच्छति यह पश्यति नानात्वम मायया वंचितो नरः। अब कहते हैं कि श्रुति ने नानात्व दर्शन के दोष को भी दर्शाया है। मृत्यो मृत्युम से गच्छति या यह नानेव पश्यति, वास्तव में तो नाना कुछ नहीं है, लेकिन जो अनेक को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात जैसे कृमि कीट नदी में फंस जाए, एक आवर्त से मुक्त होते होते तब तक दूसरे आवर्त भंवर में फंस जाए, इसी प्रकार मृत्यु से मृत्यु को, दुख से दुख को प्राप्त करता है। एक दुख दूर हुआ नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है, दूसरे दुख को व्यक्ति दुख नहीं समझता, सुख रूप से वरण करता है, भविष्य में वो भी दुख सिद्ध हो जाता है। बच्चा है उसके लिए खिलौना बहुत अच्छा है, बाद में खिलौने बदलते जाते हैं, ज्यों ज्यों मट्टी में परिवर्तन होता है आयु में खिलौने बदल जाते हैं, फिर वो फिर खिलौने के बाद में क्या है, रुंझुन उंझुन कबड्डी कुश्ती आदि में मस्त हो जाता है, क्रिकेट में वॉलीबॉल में ऐसा में
होते होते फिर वो खिलौने में रुचि नहीं रहती तो पत्नी आ जाती है, वो नहीं समझता ये भी एक खिलौना है। फिर पत्नी बेटे हो जाते हैं, खिलौने बदल गए, क्या रुचि में परिवर्तन हो गया, खिलौने में परिवर्तन हो गया, लेकिन खिलौने ही होते रहे। क्या एक खिलौने से पिंड छूटा मति में परिवर्तन होने पर, अब दूसरे खिलौने को खिलौना नहीं समझ पाता। होते होते अंत में क्या होता है, खिलौने में ही सारा जीवन चला जाता है। ऐसे ही दुख की एक विचित्र भूमिका सुख के नाम पे आ जाती है। व्यक्ति समझता है इस दुख से पिंड छूट गया, अब ये तो सुख है, थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है जैसे वो दुख था वैसे ये भी दुख है। फिर एक नया दुख सुख का रूप धारण करके आ जाता है, तब वो समझता है कि ओहो अब दुख से पिंड छूट गया, अब सुख मिला है, कहीं विवेक बढ़ गया या आयु बढ़ गई, मति में कुछ परिवर्तन हो गया, तो लगता है कि अरे ये भी दुख ही निकला। ऐसे ही रुचि वैचित्र से दुख ही नया नया सुख का रूप धारण करके आता है, और बाद में पता चलता वो भी सुख नहीं है, अभी सुख नहीं है, अभी दुख है। खेलते खेलते ही एक बार घूमने जा रहे थे लखीमपुर जिला में, कुछ विष्णु आश्रम महाराज के साथ, उन्होंने कहा कि देख भूल करते 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 आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति सीख लेता जाता है, जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण होती है तब तक फिर मर जाता है। तो हमने कहा मरने के बाद भी अक्ल तो वही बनी रहती है, तो कैसे अक्ल वैसे बनी रहती है, हमने कहा फिर उसी संसार में रच जाता है। क्या वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव बहुत होता है, पहले हम लोग वृद्धों के पास बैठते थे वो अनुभव बताते थे, आजकल क्या हो गया कोई युवक बच्चा भी अपने को कम ज्ञानी नहीं समझता, वृद्धों को पागल जैसे समझते, वृद्धों के पास बैठना अब उचित नहीं समझते, ये क्या जानते हैं, कंप्यूटर नहीं जानते और क्या क्या है, मोबाइल नहीं जानते, टेलीफोन नहीं जानते। पहले वृद्धों से सुख सीखने की भावना थी, लुप्त हो गई। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि दुख ही नया रूप धारण करके आ जाता है। तो इसीलिए जो नानात्व को देखता है आत्मा से भिन्न, उसको वो परास्त कर देता है। कौन हारता है, जो अपने से भिन्न किसी को देखता है वो हार जाता है। हम लोग क्यों नहीं हारते, जो हमको हमसे द्वेष करता है वैर करता है उसे भी हम आत्मा स्वरूप समझते हैं, भगवत रूप समझते हैं, हम कभी हार ही नहीं सकते। क्या बदला लेने का भाव ही नहीं होता किसी में, कितना भी अपकार करे हम उसको भी आत्मा स्वरूप समझते हैं। तो अगर हम किसी को अपने से भिन्न समझेंगे तो क्या होगा, द्वितीयाद वही भयम भवति, भेद बुद्धि हुई नहीं कि भय प्राप्त होगा। इसीलिए नानात्व बुद्धि हुई नहीं कि अपकर्ष होगा। एकत्वदर्शी जो होता है, तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः, एकत्वदर्शी को न मोह होता न शोक होता न कहीं पराभूत होता है पराजित होता है। इस प्रकार नानात्व दर्शन जिसके जीवन में पल रहा है वो तो मृत्यु से मृत्यु को, एक दुख से पिंड छूटाने की दूसरा दुख तैयार रहता है। एक अशोक सिंघल भी सिंधु परिषद वाले थे, एक अशोक सिंघल और थे कोई दिल्ली में, तो मैं यही द्वारका पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य के यहाँ ठहराया गया था, वहाँ से श्रृंगेरी जाना था दोनों शंकराचार्यों को। तो जिसके यहाँ ठहरा था उसके छोटे भाई का नाम अशोक सिंघल था, वो हमसे मिलने आए, वो रहते कहीं और जगह थे दिल्ली में। वो कह रहे थे महाराज किसी ने कहा जिस कमरे में मकान में रहते हो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं, लोगों की बात मानता हूँ, बदलता रहता हूँ, स्थान बदलता हूँ, कमरा बदलता हूँ, दिशा बदलता हूँ, लेकिन जैसे गड्ढे में ऊपर का जल आके भर जाता है, जहाँ जाता हूँ दुख हमको पहचान लेता है। इतने में अशोक सिंघल आ गए मिलने हमसे भी सिंधु परिषद वाले। हमने कहा एक अशोक सिंघल आप हो एक ये है, इनकी समस्या सुनो।
उन्होंने कहा जहाँ मैं जाता हूँ दुख हमको पकड़ लेता, तुम वही हो ना, हम आ गए, हम आ गए। ऐसे यहाँ पर कहा मृत्यु और समृत्यु मापन होती, दुख पर दुख प्राप्त होता रहता है उसको, तो नानात्व का दर्शन करता है। ये पश्चित नानात्व माया वंचितो न रहा, लेकिन बेचारा क्या करे, माया के द्वारा वंचित है। जब तक नानात्व बुद्धि रहती है तब तक वह दुख पर दुख प्राप्त करता रहता है। ब्रह्मण सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति इत्यवधारयेत्। यह सब वेदांत प्रस्थान उपनिषदों के अनुसार संपूर्ण भूत परमात्मा जो कि ब्रह्म है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म से, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से सकल सृष्टि की समुत्पत्ति होती है। सब भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थावर जंगम प्राणी ब्रह्म रूप परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति इत्यवधारयेत्। अतः ये सब भूत जितने प्राणी हैं, पदार्थ हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, सबके सब ब्रह्म रूप ही हैं। जैसे मिट्टी से उत्पन्न घट कुल्लर सकोरे आदि मृतिका रूप होते हैं, कुवर्ण सुवर्ण से उत्पन्न कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण सुवर्ण रूप होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न संपूर्ण भूत क्या हैं, ब्रह्म रूप हैं। ऐसा निश्चय करना चाहिए। अवधारण ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विवर्ति इति श्रुति जगौ। श्रुति उद्घोष करती है, उच्च स्वर से प्रतिपादन करती है, डंके की चोर से, जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, नाम रूपात्मक प्रपंच है, जितने भूत हैं सबके सब नाम, सबके सब रूप और कर्माणि, अपि नाम रूप कर्मात्मक जगत है। दो शब्दों में कहना हो तो नाम रूपात्मक जगत है, तीन शब्दों में कहना हो तो नाम रूप कर्मात्मक जगत है। क्या नाम, क्या रूप, क्या कर्म, ये सब के सब क्या हैं, ब्रह्म से ही पोषित हो रहे हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हैं। ब्रह्म ही इन सबको धारण करता है, इनका पोषण करता है, इनके योगक्षेम का निर्वाह करता है। इनमें सत्ता स्वतः सिद्ध नहीं, ब्रह्म की सत्ता से ये सत्सरीखे पर लक्षित है। इनमें चित्ता स्वतः सिद्ध नहीं, ब्रह्म की चिद्रूपता से चित्सरीखे पर लक्षित हैं। इनमें सुख रूपता स्वतः सिद्ध नहीं, ब्रह्म सुख रूप है, उसके सानिध्य मात्र से ये भी सुखरूप प्रतीत होते हैं। सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्, ब्राह्मणो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं च भवेत् तथा भवेत्। सुवर्ण से उत्पन्न जितने पात्र हैं, या आभूषण घट जो कटक मुकुट कुंडलादि हैं, सब तो निस्संदेह सुवर्ण ही हैं, शाश्वत उनकी सुवर्ण रूपता सिद्ध है। इसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न जो कुछ भूत भौतिक प्रपंच, सब भूत भौतिक पदार्थ ब्रह्म ही होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। स्वल्पमप्यंतरम कृत्वा जीवात्म परमात्मनो यह तिष्ठं तिष्ठत बूढ़ात्मा भयम तस्याभिभाषितम्। श्रुति ने कहा द्वितीयाद्वय भयम भवती, तनिक भी उदर मंतरम कुरते, उदर तनिक भी भेद कर लेता है जीव और परमात्मा में, उस भेददर्शी के सामने क्या है, भय ही प्राप्त होता है। स्वल्प भी जीवात्मा परमात्मा में तनिक भी भेद मानता है, भले जगत की और जीव आत्मा की एकता सिद्ध की गई, अब आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध करते हैं, जीवात्मा और परमात्मा में तनिक भी भेद का आधान करता है तो उस विमूढ़ात्मा को सब ओर से भय ही भय प्राप्त होता है। यत्रा ज्ञानाद् भवेद् द्वैतमितरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चरणमपि। जिस अज्ञान, जिसके अज्ञान से द्वैत होता है, अद्वैत होने पर फिर क्या होता है, कहीं अन्य का भेद का दर्शन होता है
और जब आत्मरूपता ही सबके सिद्ध होती है, आत्मा को अधिष्ठान आत्मक चरम उपादान समझते हैं, उसी से नाना संज्ञक जगत के विभिन्न भूत भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति मानते हैं, तो अधिष्ठानात्मक जो उपादान है, उपादानात्मक जो अधिष्ठान है, उसके एकत्व के विज्ञान से सृष्टि में जो अनेकत्व परिलक्षित है वो उस पर पानी फिर जाता है, अर्थात सबकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है। तरंग बुदबुद फैन की जल रूपता के समान रज्जु में कल्पित सर्पधारा माला भूषित दंडादि की रज रूपता के समान, मिट्टी में कल्पित घट कुल्ल सकोरे आदि की मृद रूपता के समान ही यहाँ पर नानात्व जो कुछ है सबकी आत्मरूपता सिद्ध है। तत्व को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता, अब ईशावास्योपनिषद के अनुसार कहते हैं, अनुभर भी जो भेद का दर्शन नहीं करता उसे कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता है, अनुभर भी भेद का दर्शन करता है तो भय तब भय की प्राप्ति होती है। जिसको अपने से भिन्न समझेगा वो रुलाएगा हंसाएगा, कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानता न वै तस्य भवेन मोहो न त शोको द्वितीयतः। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता, ईशावास्योपनिषद के अनुसार है यह। जब संपूर्ण भूत आत्मत्वेन आत्मरूप से व्यक्ति अच्छी प्रकार समझ लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसे तत्वज्ञ के प्रति कहीं से मोह और शोक का कारण ही नहीं बनता, क्योंकि शोक और मोह तो द्वैत को लेकर होता है। द्वैत के बिना न काम संभव है, न क्रोध संभव है, न लोभ संभव है, न मोह संभव है, न शोक संभव है। ये सब जितने अलाय वलाय हैं सब द्वैत को लेकर हैं। इस प्रकार से जैसे गाढ़ी नींद में न शोक होता है, न मोह होता है, न काम होता है, न क्रोध होता है, क्योंकि भेदक अहम ही उस समय सो जाता है। इसी प्रकार समझना चाहिए, भेद बुद्धि विगलित होने पर मोह शोक आदि से पिंड छूट जाता है, क्योंकि अद्वितीय परमात्म तत्व में आखिर भेद है ही कहाँ। भेददर्शी जब नहीं रहता व्यक्ति तो शोक मोह उसे कैसे प्राप्त होता है, नहीं हो सकता। अयम आत्मा ही ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्य संस्थया। अयम आत्मा ही ब्रह्मैव, आत्मैव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है न कोई अन्य। इस प्रकार से सर्वात्म रूप से आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म ब्रह्मरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का निश्चय हो जाता है, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार वेदार्थक श्रुति ने अभेद का प्रतिपादन किया है। लो जी 55 हो गए।